हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है दही तड़का। हमारे हिमाचल में इस रेसिपी को कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ इसको बोला जाता है रोडू, या फिर इसको कई जगह पे बोला जाता है खैरू, या फिर जैसे बोला जाता है कि दही में छोंक लगाना। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, जैसे लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, गरम मसाला हो गया, नमक, ये सब इसमें ले रही हूँ। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे अदरक और लहसुन और साथ में हरी मिर्च को जो इकट्ठा पीस के जो एक बढ़िया सा पेस्ट बनाते हैं उसका तो दही में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और साथ ही यहाँ पे ले रही हूँ मैं खड़े मसाले भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़े थोड़े करके मसाले ऐड किए हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे लूँगी मैं चॉप्ड अनियन, थोड़ा थोड़ा बारीकी कट कर लिया। आप इसको बड़े से पीसेस में कट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अनियन को कट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे मसाले। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है दही मैंने यहाँ पे एक कप लिया हुआ है। और ये बिल्कुल थोड़ा सा जो गाढ़ा वाला दही होता है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। आप पतले वाला दही भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप छाछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट ये बनता है। अब सबसे मेन यहाँ पे जो ऑयल है वो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो टेस्ट होता है वो दही तड़के में बहुत ही बढ़िया लगता है। और बारी बारी करके जितने भी मसाले वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सबसे पहले खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। जब खड़े मसाले अच्छे से थोड़े से हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद उसमें मैं ऐड कर दूँगी पेस्ट, अदरक, जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें मैं ऐड कर दूँगी। जितने भी मसाले हो गए, इन्ग्रीडियंट्स हो गए, इनको जो आपने लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या होगा, सारे मसाले जो है जल जाएंगे। तो आप इनको लो फ्लेम पे ही पकाओगे। अब उसके बाद वन बाय वन करके यहाँ पे मैं अब ऐड कर दूँगी प्याज। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि प्याज को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज को आपने सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ एक मिनट ही इसको कुक करना है, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। इससे क्या होता है दही तड़के में उसका अलग ही एक टेस्ट आता है। अब उसके बाद आपने ऐड कर देने मसाले यहाँ पे मैंने तभी इकट्ठे ही ऐड कर दिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगे तो क्या होता है थोड़े से मसाले होते हैं वो जल जाते हैं, फिर एक वो जो जला हुआ टेस्ट है वो इसमें आता है। तो जितने भी मसाले थे मैंने इकट्ठे ऐड कर लिए थे तो इकट्ठे इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब क्या करूँगी, अब थोड़ा सा क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा जो हरा धनिया वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो दही है, एक मिनट के बाद दही है वो इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा है तो उसको आप पानी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो दही तड़का है उसको थोड़ा सा पतला होना चाहिए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, आप इस टाइम भी इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और जो मेरे को लगता है कि जो दही तड़का रेसिपी है जो 10 मिनट में ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाती है, बस हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएँ। पक जाने के बाद जब इसमें मैं दही ऐड करूँगी या फिर आप दही इसमें ऐड करोगे, और उसके तुरंत बाद जो 2 मिनट के बाद आपका दही तड़का बनके तैयार हो जाएगा। इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। दो मिनट के बाद आपका जो दही तड़का है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो लो जी, यहाँ पे मेरा जो दही तड़का है वो बनके हो गया है तैयार। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। उससे क्या होता है, देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो, मक्की की रोटी के साथ या चपाती के साथ भी इसको खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये लगता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।